a South Asian Canadian channel. वाई मीडिया ग्रुप के सारे दर्शकों इंद्रजीत सिंह बख्शेलो प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों ग्राउंड जीरो से तुहाडा स्वागत है ते मेरे नाल मेरे सहयोगी विनय शर्मा जी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं उन्हां दा भी स्वागत कर लैंदे आ विनय जी ग्राउंड जीरो दे विच तुहाडा स्वागत है धन्यवाद जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा दोस्तों अज इन्हां मुद्दे ते गलबात करांगे उन्हां दे विच सब तों पहलां गल होएगी ओमिक्रोन नूं लै के विश्व भर दे विच किस तरह की स्थिति है ते भारत दे विच किन्ने केस जिहड़े ने उह हुण तक नोट हो चुके ने इस नाल ही जेकर आपां गल करिए दूजी वड्डी खबर की गल दी तां दूजी वड्डी खबर जिहड़ी है उह नागालैंड उत्ते जिहड़ा नागालैंड दे विच फौज वलों कुछ आम लोगों ते जिहड़ी गोलीबारी होई सी जिहदे विच लगभग 14 दे करीब लोगों की मौत होई सी उसका स्पष्टीकरण जिहड़ा हैगा अज संसद दे विच गृहमंत्री अमित शाह ने की दिता है वो की है उससे भी गलबात करांगे तो इस जेकर पंजाब की गल करिए पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सियासी पार्टी जिहड़ी कि पंजाब लोग कांग्रेस नालों बनाई गई सी उसका पहला दफ्तर जिहड़ा हैगा वह चंडीगढ़ दे विच स्थापित कर दिता है तो इस कुछ होर मुद्दे होणगे जिन्हां ते आपां गलबात करांगे क्योंकि लगातार आपां वेख रहे हैं कि 2022 दीआं चोणां नूं लैके हर कोई दावा इस तरह कर रहा है कि जिवें शायद उसकी सरकार बनन वाली है तो भाजपा दे विच भी हुण नवा जोश जिहड़ा उह वेखण नूं मिल रहा हैगा सब नूं पहलां गल जिहड़ी है उह ओमिक्रोन दी करांगे ओमिक्रोन नूं लै के लगातार आपां वेख पा रहे हैं कि किस तरह एक दहशत जिहड़ी है पूरे विश्व स्तर ते बनी हुई है भावें कि बहुत सारे वैज्ञानिक जिहड़े ने उह ये कह रहे ने कि अजे इस संबंधी बहुत जल्द कहना जिहड़ा हैगा उह गलत होएगा क्योंकि दो जे वायरस की गल करिए एक पासे डेल्टा वायरस ते दूजे पासे ओमिक्रोन तां डेल्टा दे केसिस जिहड़े हैगे आ विश्व स्तर दे विच इस समय सारे नालों ज़्यादा सामने आ रहे ने तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना कि जी ठीक है कि ओमिक्रोन का खतरा हो सकता है पर इसनों लैके अजे प्रमाण जिहड़े ने वह पूरी तरह सामने नहीं आए हैगे तो ना ही अजे तक इस वायरस नूं लैके जिहड़ी है वह मौत हुई है मैं अमरीका की गल करा तो अमरीका दे विच जिहड़े हैगे डेल्टा के केसिस जिहड़े हैगे वह ज़्यादा आ रहे हैं तो ओमिक्रोन के केसिस ठीक है लगभग पिछले कुछ समय के आंकड़ा उत्थे जरूर वधिया हैगा बट खतरा जिहड़ा हैगा कुछ उत्थे जिहड़े वैज्ञानिक ने वह कहिंदे ने कि डेल्टा तो शायद ज़्यादा खतरा हैगा ओमिक्रोन दे नालों जिवें जिवें इस ते थोड़ी जी जांच जाए कह लिए कि सेहत विभाग दीआं टीमां जिहड़ियां ने उह इस ते अपना मतलब प्रयोग करनगे तां उहनां नूं पता लग जूगा कि आने वाले समय दे विच किहड़ा वायरस जिहड़ा हैगा तेज़ है पर कोशिशां हर कोई यही कर रहा है कि किस तरह इस दोनों ही वायरसां तों जिहड़ा हैगा बचा किया जा सके भारत की गल करिए भारत के 21 केस जिहड़े ने उह हुण तक नोट हो चुके ने अमृतसर मुंबई तो बाद मुंबई च 7 पुणे च 7 आए सी तो उस तो बाद राजस्थान के जिहड़े ने उह 9 केस जिहड़े ने इकट्ठे जिहड़े ने ओमिक्रोन के सामने आए ने जिस करके आंकड़ा जिहड़ा हुण 21 हो गया मैं विनय जी नूं वी नाल लाना तो विनय जी तो भी जानकारी लैणा विनय जी जिस तरह भारत के 21 का आंकड़ा विश्व स्तर पर जेकर गल करिए तो यूके के 250 तो उपर के केस जिहड़े हैगे उह सामने आ रहे हैं एवं अमरीका के भी केसिस जिहड़े ओमिक्रोन के थोड़े जे वधे जरूर ने पर नाल नाल वैज्ञानिक जिहड़े ने उह जिथे ओमिक्रोन दे नूं लैके चिंता जाहर कर रहे ने उत्थे ही डेल्टा वायरस नूं भी लैके जिहड़ी हैगी आ बराबर चिंता जाहर करदे हुए नज़र आ रहे हैं जी जी बिल्कुल क्योंकि ओमिक्रोन नाल ये भी है कि ओमिक्रोन कंटेजियस जरूर हैगा पर जिहड़ी रिपोर्ट हैगी आ जिहड़ी क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी हैगी आ ते साइंटिस्ट का भी जिहड़ा ये हैगा कि साइंटिस्ट का मत यह हैगा कि ओमिक्रोन नाल अजे तक कोई भी विश्व पद्धर उत्ते अफ्रीका च जिहड़ी है कोई मौत नहीं हुई है तो उन्होंने कहने का मतलब यही है कि डेल्टा वेरियंट जिहड़ा जिहड़ी फैटैलिटी हैगी सिविलिटी फैक्टर हैगा दैट वेरी हाई एज कंपेयर टू ओमिक्रोन ओमिक्रोन हालांकि ये कोई फाइनल सट्टा नहीं हैगा फाइनल कंक्लूजन नहीं हैगा अजे थोड़े दिन होर लग सकते ओमिक्रोन की नेचर बिहेवियर जिसकी म्यूटेशन समझण वास्ते पर फिलहाल जिहड़ी है एक थोड़ी जी राहत हैगी है कि ओमिक्रोन जिहड़ा उहदी सेफिलिटी फैक्टर फिलहाल साइंटिस्ट नूं कोई खतरनाक नहीं लगता जी बिल्कुल विनय जी पर नहीं जी पर उत्थे उही गल है कि ठीक है कि अजे तक खतरा जिहड़ा हैगा वह विश्व स्तर पर नहीं देखा जा रहा ओमिक्रोन नूं लैके पर जिस तरीके दे नाल जिस तेजी दे नाल इस वायरस नूं लैके आपां वेख पा रहे हैं कि मामले सामने आ रहे हैं उस दे नाल हर कोई देश जिहड़ा हैगा अपने तौर पर एहतियात वरतता हुआ नज़र आ रहा आपां भारत की जेकर गल करिए भारत के भी जिहड़ा हैगा काफ़ी एहतियात जिहड़े ने वरते जा रहे हैं केंद्र सरकार ने सूबा सरकारां नूं जिहड़ा हैगा खास एक चिट्ठी दे विच जिहड़ा हैगा कहा है कि वह अपने तौर पर जिहड़े भी कुछ देश नोट किए गए हैं लगभग 9 देश ने जिन्हां तों आने वाले जिहड़े ट्रैवलर ने खास करके उन्होंने उत्ते नज़र बनाई रखनी चाहिए है उन्होंने टैसट होने चाहिए बल्कि कहने का मतलब यह है कि समा एक बार फिर उसी तरह का आ रहा जिस तरह जदों
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਬੈਕ ਕਰਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਓਮੀਕਰੋਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਐਸ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਡਬਲਯੂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ WHO WHO ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ US ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ WHO ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਪੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 21 ਕਮਾਂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਕਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਨੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 14 ਟੋਟਲ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੌਲਡੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਲੇਬਰਰ ਸੀਗੇ
ज्यादातर जिन्हों के उत्ते की गोलियां चलाई गई आर्मी नॉर्मली जेडे काफी अपने इंटेलीजेंस उत्ते डिपेंड करती है पर इतने जरा दैट्स ए कंप्लीट फेलियर ऑफ देयर इंटेलीजेंस क्योंकि जिन्होंने वो टारगेट कर रहे थे क्योंकि वो गड्डी जी अंदर जड़े है गनमैन या कोई भी टैररिस्ट नहीं सगा बल्कि वो सिर्फ लिबरल थे अपना काम करके वापस अपने घर में शाम जिमें जा रहे थे तो उसके बाद जरा एकदम सिविलियन लाइफ का उत्तर जी आम जे सिटीजन थे उन्होंने वाजिब सगा कि उन्होंने भड़कना ही सगा पर फिलहाल क्योंकि गवर्नमेंट ने विंटर सैशन करके जरा इस मामले में जरा ऑपोजिशन पार्टीज ने होर ज्यादा जरा जवाबदेही सरकार की बिल्कुल ये मुद्दे से बनती है तो सरकार ने जी अपने जिहड़ा ब्लेम भी लिया उन्होंने इस इंसीडेंट नूं रिग्रैट किया है नाल ही एक स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम का गठन होया वो जी है पूरे का पूरा लोग सभा के अंदर अमित शाह ने स्टेटमेंट दे के जी है वो इसके उत्ते जी अगे की कार्रवाई करेगी कि ऑपरेशन वॉर्डअप होया तो क्यों होया की वजह सी इंटेलीजेंस फेलियर होने के वो सारे जोड़े फैक्टर उन्होंने वो कंसिडर करे पर फिलहाल जी है बहुत ही मनभागी घटना हैगी है काफ़ी क्योंकि 14 जरा आंकड़ा है बहुत व्डा आंकड़ा है कोई होर कंट्री होंगी तो अजे तक जी प्रधानमंत्री ने अस्तीफा दे दिता होना सी इंटेलीजेंस जी है इंटेलीजेंस चीफ ने भी जोड़े अपने पेपर दे दते होने से पर भारत हैगी है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैगी है इतने क्योंकि स्टेट्स इन्नी ज्यादा ने पॉपुलेशन इन्नी ज्यादा हैगी है फिर भी अमित शाह के बाद जी प्रधानमंत्री को भी जे अपनी एक स्टेटमेंट देनी चाहिए है बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग नंबर 14 बंदे 14 सिविलियंस एक सिर्फ आर्मी ऑफिसर की गलती करके जी है उन्होंने बलि का बकरा नहीं बना सकते मेरे ख्याल ये पूरी की पूरी जी है एक इन्वेस्टिगेशन जी लॉन्च होनी चाहिए नागालैंड जी है उन्होंने सूबे तो आना जिते की आम आर्म फोर्सिस स्पैशल एक्ट की प्रोटैक्शन हैगी है कि वह मतलब हैगा कि आर्मी वाले किसी भी घर के अंदर जाके कदम भी जी रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि उत्थे इनसरजेंसी की जी घटना हैगी है खास करके जोड़ा इलाके हैगी है नागालैंड नॉर्थ ईस्ट जोड़ा रीजन हैगा वो अंदर जोड़ा चाइना की दखलअंदाजी भी वही जा रही है तो उधरों सरहद पार तो उन्होंने बॉर्डर आर्म्स ऑपरेशन वगैरह जोड़े वो प्रोवाइड भी किए जाते हैं तो करके इन्हों जी घटना हैगी है इनसरजेंसी की लगातार इतने इजाफा हो रहा है तो जी है इंडियन आर्मी उ लाया गया है पर फिलहाल जी है ये जोड़ा सेंटीमेंट सरकार के अगेंस्ट आता है 14 सिविलियन तुम मार दोगे तो फिर ऑब्वियसली कोई भी सूबा है उत्थे के जोड़े लोग है चाहे वो आज तक पक्ष के अंदर सके कि वी आर नॉट विद द इंसर्जेंट्स वी आर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर इदा की जी इंसीडेंट वापरते हैं वो जोड़ा जोड़ा पूरे का पूरा सेंटीमेंट है हों एंटी गवर्नमेंट बन जाता है एंटी एस्टैबलिशमेंट बन जाता है जी बिल्कुल विनय जी जांच नू लैके खुद गृह मंत्री ने भी कहा कि इस संबंधी जांच जी एक महीने के पूरी करके जी सामने रखी जाएगी उत्थे ही अगली खबर वल वधियां गल करांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पंजाब दे चोणां नू लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं सैक्टर 9 दे विच उन्होंने पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन कर दिता है तो पार्टी के दफ्तर के उद्घाटन तो बाद उन्होंने मीडिया के नाल गलबात करदिया होया कहा कि हुण पंजाब लोग कांग्रेस जिहड़ी हैगी है वह 24 घंटे लोगों दीयां मुश्किलां नूं हल करन दी कोशिश करता रहेगा यह दफ्तर जिहड़ा 24 घंटे खुला रहेगा मैंबरशिप जिहड़ी सी असीं पहलां ही शुरू कर चुके हैगे आ एक गल जिहड़ी होर जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही है वह यही है आपां पिछले काफ़ी दिनों तो लगातार यह गलबात कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जिहड़ा हैगा वह आपस गठजोड़ करेगा तो इसकी पुष्टि भी जिहड़ी हैगी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज्ज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दी है उन्होंने कहा कि असी तीनों जिहड़े हैगे पंजाब च मिलकर चोणां लड़ांगे और सीटां दी वंड नूं लैके गलबात इस समय चलती है पई है मतलब कि उन्होंने मोहर लगा दी है कि हुण इह तीनों जिहड़े नीआं पार्टियां ने वह इकट्ठे 2022 दीयां चोणां लड़न जा रहे हैं तो सीटां नूं लैके जिहड़ी आ उह गलबात भी जिहड़ी आ उह चलदी नज़र आ रही है तो आने वाले दिनों के देखांगे कि रस्मी ऐलान भी जिहड़ा हैगा उह तिन्नां पार्टियां दे वल्लों उह कर दिता जाएगा भावें कि अज्ज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप जरूर कह दिता हैगा इस दे नाल ही जेकर आपां गल करिए तां उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पूछा गया कि क्या उस दा मुख्यमंत्री दा चेहरा तुसीं खुद होवोगे तो उन्होंने कहा कि नहीं यह अजे डिसाइड नहीं होया तिन्नां पार्टियां डिसाइड करनगियां कि मुख्यमंत्री का चेहरा जिहड़ा हैगा वह किहड़ा होगा वह आने वाले समय से दस दिता जाऊगा उत्थे ही चन्नी सरकार के इश्तहारां उत्ते भी उन्होंने बोलिया कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ये इश्तहारां दे जिहड़ा हैगा वह हासा जिहड़ा है वह आउंदा है क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में 92% वादे जिहड़े सन वह पूरे किए सन तो मुख्यमंत्री रहिंदिआं मैं बेअदबी और गोलीकांड मामले पर कार्रवाई की है पर बाकी काम कानून का तो वह जजा ने करना हैगा नवजोत सिंह सिद्धू वालों पाकिस्तान नाल व्यापार खोले जाने की मंग लैके भी उन्होंने जिहड़ा हैगा कैप्टन ने कहा कि पहला साढ़े जवानों उत्ते गोली चलानी बंद करनी चाहिए है उस तो बाद जिहड़ा हैगा पाकिस्तान नाल व्यापार की गलबात
करनी चाहिए है। विनीत जी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, मैं सिर्फ तुहाड़े तो पूछना चाहूँगा कि लगता है कि कैप्टन की जिहड़ी यह शुरुआत है कि लगता है कि आप इस जल्द जिहड़ा हैगा वह आने वाले समय से वेखांगे कि तीनों पार्टियां एको मंच से आ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करदियां नज़र आउणगियां ते उस तो बाद जिहड़ा हैगा विधानसभा की चोणां नूं लै के जिहड़ा हैगा तैयारियां जिहड़ियां ने क्योंकि तैयारी कैप्टन वालों तो शुरू कर दित्ती हैगी ने इकट्ठे मिल के तैयारियां जिहड़ियां हैगियां ने उह जल्द वेखांगे। अपनी पार्टी का जिहड़ा कांग्रेस दे नाल अलायंस की गल चली सी ये सुजेशन अमित शाह वालों आया कि तुसी क्यों नहीं जिन्हें भी डिसग्रंटल्ड लीडर्स है श्रोमणी अकाली दल के वो भी जिहड़े आ तुसी नाल कट्ठे लै सकते हो तो इट कैन यू कैन मेक ए इंपैक्टेबल एक जिहड़ा काफ़ी इफेक्टिव डेंट तुसी जिहड़े इस वोट बैंक के उत्ते जिहड़ा अकाली दल का ट्रडिशनल रूरल वोट बैंक है उन्होंने तुसी काफ़ी ज़्यादा घात ला सकते हो क्योंकि बीजेपी को इस टाइम यह है कि उन्होंने जिहड़ा ट्रडिशनल वोट बैंक होंगे वह शहरी वोट बैंक होंगे अर्बन वोटर खास करके जो व्यापारी कारोबारी वर्ग जिहड़ा है तो इस टाइम सुखदेव ढींसा पंजाब की सियासत के अंदर नज़रअंदाज नहीं कर सकते परमिंदर सिंह ढींसा भी जिहड़े आ नज़रअंदाज नहीं कर सकते फाइनेंस मिनिस्टर रहे सुखबीर बादल के टाइम से तो इस टाइम जिहड़े आ समीकरण खास करके अकाली दल के एंगल अंदर जिहड़े है काफ़ी तेजी तरह तो बदलते पे है ये एक इंडीकेट करता है कि जिहड़े लीडरशिप हैगी है जिहड़े जूनियर लैवल के है हालांकि मनजिंदर सिरसा जिहड़े है इन्हें जूनियर नहीं थे उन्होंने एक अपना रुतबा दिया दिल्ली के सब तो वे रिचेस्ट कैंडीडेट जिहड़े थे मनजिंदर सिरसा थे उन्होंने भी जिहड़े उस उन्होंने काफ़ी टाइम टाइम तो मोहाली तो लड़न की पेशकश हुई थी उन्होंने जिहड़ी मानसा तो लड़न की पेशकश हुई थी अकाली दल ने उन्होंने कीती थी एक टाइम से आके पर सिरसा ने अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया ये मायने की निकलते हैं ये मायने ये निकलते हैं कि लोग जिहड़े हैगे आ उह सुखबीर बादल की लीडरशिप जिहड़ा फंक्शनिंग स्टाइल हैगा उस दे नाल खुश हैगे कि नहीं हैगे या लोग जिहड़े आ अजे भी प्रकाश सिंह बादल नूं ही एक श्रोमणी अकाली दल दा सुप्रीमो मानदे आ सेम वे कांग्रेस के अंदर भी कैप्टन का जिहड़ा स्ट्रक्चर हैगा वह बहुत बड़ा हैगा पंजाब की सियासत के अंदर कैप्टन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के उत्ते परनीत कौर उन्होंने मैंबर पार्लीमेंट के वो जिहड़े आ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के उत्ते जिहड़े हैगे काफ़ी इंपैकेबल बड़ा डेंट जिहड़ा वो ला सकते हैं नाले क्योंकि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होना है आप भी जिहड़े आ उन्हों का भी वोट बैंक है जिहड़ा रोड शेयर हैगा वो काफ़ी पार्टियां अंदर डिवाइड होना है ता करके समीकरण बदल जा रही इन सारे का फायदा इस टाइम जे किसी मिलता है वो कांग्रेस पार्टी को ही इस टाइम सब तो ज़्यादा जिहड़ा फायदा मिलता है पर उत्थे भी जिहड़ी है क्योंकि पार्टी दो फाड़ हो सकती है सीएम कैंडीडेट के मुद्दे के उत्ते आने वाले जिहड़े महीने होंगे एक दो महीने अंदर ये भी हो सकता है जे नवजोत सिंह सिद्धू तो जिहड़ा सीएम कैंडीडेसी जिहड़ी है प्रोमिस नहीं की गई पर बहरहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े ने वो अपनी पूरी फॉर्म च हैगे आ जल्द असीं उम्मीद करते हैं सुखदेव सिंह ढींसा उन्होंने नाल बैठ के फोटो अपॉर्चुनिटीज से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है वो चंडीगढ़ च मेरे ख्याल हफ्ते दस दिन के अंदर जिहड़ा वो जरूर होएगी ते नाल उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बीजेपी का भी कोई बड़े लीडर जिहड़े आ वो जरूर शिरकत करेंगे हो सकता है वो स्टेट कोआर्डीनेटर हो सकता है वो अमित शाह आप हो जी बिल्कुल विनय जी पर तुसी कांग्रेस की गल की है तो कांग्रेस के सीएम के चेहरे को लैके तुसी गल की है मैं तुम्हें दसा तो मैं जो मैं गल करा तो खुद अज की घड़ी के प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े ने वह हुण दिल्ली तो पंजाब लैंड हो गए ने ते कादिया दे विच उन्होंने जिहड़ी है शुरुआत कर दिती है लोगों के नाल मीटिंगां शुरू कर दित्तियां ने उन्होंने मतलब एवें लग रहा है कि उन्होंने भी हरी झंडी जिहड़ी हैगी है वह हाई कमान ने दे दित्ती है पंजाब दे विच इलैक्शन लड़न नूं लैके जिस तो साफ है कि तुसी कह रहे सी कि जिवें कांग्रेस दो फाड़ हो सकती है पर कांग्रेस के विच लीडर की जिहड़ी भरमार जिहड़ी हैगी है खास करके सीएम के उम्मीदवार नूं लैके पहले आप ये वेख पा रहे सी कि नवजोत सिंह सिद्धू वर्सिज चन्नी नूं लैके आप देख रहे सी क्या हाईकमान किस ते दाव खेड़दी है पर जिस तरह प्रताप सिंह बाजवा की भी हुण एंट्री हुंदी नज़र आ रही है तो यह मुकाबला जिहड़ा हैगा दो तो तीन दे विच भी वंडिया जा सकता हैगा इस नूं पूरा इस पूरे पूरे मुद्दे नूं तुसीं किवें वेखदे हैगे हो क्योंकि कादिया दे विच हलका कादिया पिछले काफ़ी समय तो वह उत्थों चोण लड़दे आ रहे सन 2008 तक उन्होंने चोण लड़ी है उस तो बाद राज सभा दे विच लोक सभा दे विच चुणदे चुन के जिहड़े हैगे आ उह कांग्रेस वल्लों जांदे रहे ने जी नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े है एक कांग्रेस के अंदर एक कैंपेनिंग मोड के
ਮੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਦ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੇਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਜੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦ ਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਟ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹ ਸਨ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਖਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।